Hello, students. Now we will see what are the objectives of economic environment. Now, there are few objectives why we have to study economic environment or why we have to understand economic environment. The ultimate goal of each and every country is to become a developed country, improve the standard of living of the uh, people, and mm, the, increase the growth rate. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स किसी भी देश का उद्देश्य होता है कि अपनी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो राइट right? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का इनकम बढ़े उनको सारी फैसिलिटी मिले राइट right? और देश तरक्की करती रहे तो इसके लिए जो चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो कैसे पता चलेगी जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर पता चला तो क्या प्रॉब्लम्स है कौन से चैलेंजेस है ये पता चलेगा एंड फिर हम लोग उसके ऊपर काम कर कर इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं तो सबसे Yeah, first is proper functioning of an economy. Means first we have to see whether our economy is functioning properly or not. Now, when the economy will function properly, there are few factors like uh, the total demand and total supply. If it is in adequate uh, form or if it is in a proper form, means demand is hundred, supply is. Uh, 100 then we can say that the functioning is proper suppose demand is 200 and supply is 100 that means supply is less and prices will increase and people will not able to afford uh, the things right so it means the government need to work on increasing the supply and bring it up to टू हंड्रेड दिस इज़ वन फैक्टर राइट मेन्स हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमी अगर का फंक्शन अगर ठीक से होना है तो उसमें कुछ फैक्टर्स है जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिए लिया, लिया कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई मतलब लोगों की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है अगर डिमांड और सप्लाई सेम रही मतलब हंड्रेड डिमांड है किसी भी चीज़ के लिए और उतना ही अवेलेबल चीज़ें हैं हंड्रेड तो वो स्टेबल है बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि 100 सप्लाई है मतलब अवेलेबल चीज़ें सिर्फ हंड्रेड हैं और लोगों की जरूरत दो सौ की है तो डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबलिटी कम है इसके वजह से क्या होगा चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे और बहुत से लोगों को वो लेना पॉसिबल नहीं होगा या किसी के पास पैसे होगा भी चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होगी तो हमें फिर वो जिस चीज़ों की कमी है अपने देश में उसका प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाना होगा राइट तो एक चीज़ जान सकते हैं दूसरा है कि आपका टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट आपकी कंट्री का कितना है मतलब आप दूसरे देशों से कितनी चीज़ें मंगाते हो और कितना आपकी चीज़ें लोग मंगाते हैं या आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो अगर इसमें बैलेंस हुआ तो ही आपका आपकी जो कंट्री है उसका ग्रोथ रेट ठीक होगा अगर आप इंडिया के एग्जांपल लो तो हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो वी नीड टू टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इम्पोर्ट तो ये कैसे कर सकते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स विच वी आर इम्पोर्टिंग अगर सब्सटिट्यूट लोगों को मिला तो लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे एंड वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वान्टिटी सो दैट वी विल एबल टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट मतलब हमें अपना उत्पादन भी बढ़ाना होगा उसकी क्वालिटी भी बढ़ानी होगी तो ही वो क्या होगा हम लोग बाहर उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे ये दो चीज़ें हुई तीसरा एक है कि टोटल डिमांड फॉर मनी एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी नाउ डिमांड फॉर मनी क्यों होता है क्योंकि अगर किसी को बिजनेस करना है तो अगर बैंक में इजी लोन अवेलेबल होगा तो ही लोग the, आ, लोन लेंगे एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इफ़ द मनी इज़ नॉट अवेलेबल इन द बैंक्स तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम पैसा अगर अवेलेबल है तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो फिर लोग लोन नहीं लेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हैम्पर सफ़र होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है क्या नहीं मतलब डिमांड सप्लाई करेक्ट है क्या नहीं मनी का सप्लाई करेक्ट है क्या नहीं राइट right. फिर आ, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है ऊपर से गवर्नमेंट का टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मतलब गवर्मेंट सरकार का खर्च और सरकार को जो इनकम मिलता है वो वो भी सही होना चाहिए अगर सरकार का इनकम बहुत कम है और खर्च ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी बाहर से लोन लेगी राइट right? और फिर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम होगा तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग कि हमें देखना है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है क्या नहीं सेकेंड इज़ Knowledge of new opportunities and resources. See, uh, we have discussed the ultimate aim of every country to increase the production, increase the growth rate, and improve the standard of living. If we want to do this, then we have to search for new opportunities, new resources. वेयर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन राइट जैसे कि हमने देखा कि हर एक देश का उद्देश्य क्या होता है कि उन्हें डेवलप कंट्री बनना है या अपने देशों देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है उनका इनकम बढ़ाना है ये कब पॉसिबल होगा कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है अभी जो बिजनेसिस हैं हम जो ये कर रहे हैं रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल एंट्रप्रेनर्स सो वो छोड़कर और कहाँ पे हम लोग हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा तो इसका इसकी जानकारी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट देखना पड़ेगा कि कौन से कौन से फैक्टर्स हैं कौन से कौन से हमने यूज़ किए हैं कौन से कौन से फैक्टर्स अभी अवेलेबल है right so this will help us to increase the production and see the various new opportunities and resources then uh, next is study of environmental factors now why this is important environmental factors see uh, we, you all know the naturally we get some factors of production like for example India can produce agriculture goods properly because naturally the climate and the soil uh, which we have which is good for agriculture production whatever we may try we cannot produce crude oil और वॉट एवर इराक ट्राई दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फ्रूट्स सो वॉट वी हैव टू सी वॉट नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव रिसीव्ड एंड हाउ वी कैन यूज दैट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन दिस इज़ वन थिंग सेकेंडली वी हैव टू सी कि पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है राइट और जो वॉटर है वो हम तो इनप्योर तो नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी हवा जो है हम वो पोल्यूट तो नहीं कर रहे हैं और अब उसका लेवल क्या है तो वॉट वी हैव टू सी वॉट आर द नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव रिसिव एंड वेदर वी आर एबल टू यूज़ इट अप टू ऑप्टिमम लेवल इफ़ नॉट देन वी हैव टू यूज़ इट अप टू ऑप्टिमम लेवल सी द फिफ्थ पॉइंट वहाँ पर लिखा है कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एनवायरमेंट तो जो भी हमारे पास अवेलेबल लैंड है वाटर है रिसोर्सेस है वो हमें पूरा पूरी तरीके से उसको यूज़ करना है अगर हम ये करते हैं तो ही वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्शन हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आराम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी लोगों को काम मिलेगा उनका इनकम बढ़ेगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ, भी होगा और हम लोग जो पावर्टी इरेडिकेशन करना चाहते हैं मतलब गरीबी हटाना चाहते हैं वो पॉसिबल होगा कब होगा जब हम हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उसका स्टडी करेंगे उसका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे और उसका ऑप एक्सेस भी यूज़ नहीं करेंगे राइट और हमारी जो नदियाँ हैं समुंदर है राइट right? उसको पोल्यूट नहीं करेंगे हवा, हवा जो है उसको भी पोल्यूट नहीं करेंगे नहीं तो क्या होगा जो भी हम लोग कमा रहे हैं इफ वी विल स्पेंड ऑल द मनी वी नीड टू स्पेंड देन फॉर द मेडिकल पर्पज़ यहाँ से कमाएंगे वहाँ पर डॉक्टर को हम लोग जाकर पैसे देंगे तो इट विल बी यूजलेस सो वाई एनवायरमेंट स्टडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए वी नीड टू स्टडी देन नेक्स्ट इज़ Removal of obstacles and challenges. So, if you want to develop a country, we have to study what are the obstacles, what are the challenges um, in front of our economy. See what are the challenges, for example, we know that uh, improper education right then low income is there then unskilled people are there so if you want to do the industrialization you should have the proper trained skilled people right you need educated people so we can uh, do this then second चैलेंजेस इज एवरीबडी वांट्स टू डू द जॉब राइट सो वी हैव टू इनक्रेज पीपल टू स्टार्ट देयर बिजनेस तो ये सारे obstacles हैं क्या है गरीबी है इम प्रॉपर एजुकेशन है लोगों को कोई काम properly करने नहीं आता है राइट right? तो इसके लिए और लोग बिजनेस नहीं करना चाहते सब लोगों को नौकरी चाहिए टेन टू फाइव जॉब चाहिए गवर्नमेंट का वो तो पॉसिबल नहीं है तो ये सब चैलेंजेस दूर करने के लिए अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स स्टार्ट की है कि स्किल इंडिया स्टार्टअप इंडिया तो उससे स्किल इंडिया में क्या है कि आपको अलग अलग स्किल दिया जाएगा ट्रेनिंग दिया जाएगा कुछ किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए अगर स्किल है आपके पास तो आप कोई भी काम अच्छे से करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर पाओगे तो so ये चैलेंज था इसलिए वो स्किल इंडिया प्रोग्राम रन किया गया बाद में आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपने देश में बिज़नेस बढ़ाना है तो बिजनेस कब बढ़ेगा जब लोग बिजनेस करना शुरू करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो वो शुरू करने के बाद लोगों को सब्सिडी दी गई मोटिवेट किया गया अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए उसमें उनको कंसेशन दिया गया टैक्स में अगर आप खुद का बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको इतनी इतनी सब्सिडी मिलेगी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा ये सब मोटिवेशन कब दे सकते हमें हम जब हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है तो ये ऑब्स्टिकल्स हम कम कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेट करें स्किल दें और लोगों को बिजनेस करने के लिए ये करें दूसरा हमने देखा कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तो वी कैन गिव देम अ ट्रेनिंग वी कैन गिव देम अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड सो दैट देयर इनकम विल इंक्रीज जो खेती करते हैं उनको अच्छा बीज दें फर्टिलाइजर्स अच्छे से दें राइट right? और वो कैसा यूज़ करना है उसका भी अगर हम ट्रेनिंग दें तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लास्ट है उसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजिंग द इल इफेक्ट जब हम तरक्की करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं राइट तो हमें उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो भी हमें देखना है कि कम करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देश का विकास करना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा हुँ? आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी इंडस्ट्री बढ़ानी पड़ेगी लेकिन जब आप इंडस्ट्री बढ़ाते हो तो उससे निकलने वाला धुआँ पोल्यूशन उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा वो पोल्यूशन से लोग बीमार पड़ेंगे जो सीवेज है वो आपको नदी में आ, वो लोग डालते हैं इंडस्ट्री वाले तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो नदी में ना डाला जाए राइट मतलब उनसे कम से कम पोल्यूशन हो इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं तो वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं वहीं आप इंडस्ट्री लगाओ या तो वो अगर एक पेड़ आप काटते हो तो वो आपको दस पेड़ लगाने होंगे तो ही आप बैलेंस कर पाओगे तो क्या इम्पोर्टेंट है कि जो इल इफेक्ट है मतलब उसके जो उससे जो नुकसान होने वाला है वो कम से कम नुकसान कैसे हो या हो ही ना ये हमें देखना चाहिए सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट थैंक यू